हाय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल के बारे में। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल का दूसरा मॉडल है। पहला तो था वाटरफॉल मॉडल और ये दूसरा इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है, तो सबसे बात पहली बात इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल होता क्या है। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, आपने कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, ऑल फेजेस आर सेम लाइक वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन, प्रोसेस, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, कोई भी फेज के अंदर आपको अगर चेंजेस करना है तो आप सिंपली उसको इंक्रीमेंट कर देते हो प्रोसेस को। तो यहाँ पे मॉडलिंग के बाद इसको कुछ चेंजेस किया तो ये मॉड्यूल वन टू मॉड्यूल टू चेंजेस हो गया। अगर इस फेज में भी अगर आपको किसी मतलब कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, उसको अगर कुछ चेंजेस करना है तो डायरेक्टली इंक्रीमेंट हो जाए। वाटरफॉल मॉडल में ऐसा नहीं होता था। उसमें क्या होता था, जैसे कि अगर आप डिजाइनिंग फेज में हो तो आपको पहले डिजाइनिंग फेज कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरा जाओ पूरा कंप्लीट फेज करो, फिर आप वापस प्रीलिमिनरी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्टली मॉड्यूल टू मतलब नेक्स्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। एडवांटेज अगर इसका देखे तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टाइम इज वेरी स्मॉल और रिड्यूस, इट रिक्वायर वेरी लेस टाइम एज कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल। राइट है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं होगा आप दूसरे में स्विच नहीं कर सकते। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इट रिक्वायर लेस नंबर ऑफ स्टाफ टू डेवलप द सिस्टम, कस्टमर इज सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ क्विक डेवलपमेंट ऑफ द न्यू सिस्टम। क्विक मीन्स क्विक डेवलप हो जाता है। और किस मतलब, जैसे कि आपने डिजाइनिंग किया, डिजाइनिंग फेज की आप कस्टमर को दिखाए, कस्टमर बोला नहीं हमें नहीं चाहिए, तो आप वापस गए, वापस उसको इंक्रीमेंट किया, वापस कस्टमर, ऐसा क्विक डिसीजन है इसमें इसका। बट डिसएडवांटेजेस है, ऑल द टास्क आर नॉट डिसाइडेड इन फर्स्ट फेज। कोई भी टास्क आप जो करते हो फर्स्ट फेज में डिसाइडेड नहीं होता, क्योंकि हम बार बार कस्टमर को दिखाते हैं, वो चेंजेस करवाते हैं इसके लिए। इट मे प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर विच रिक्वायर लार्ज स्पेस इन मेमोरी। समटाइम स्पीड ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो स्लो, जो इसकी स्पीड है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि बार बार हमें वो रिपीट करना रहता है इसकी वजह से। समटाइम डिलीवरी डेट ऑफ प्रोडक्ट कुड नॉट बी डिसाइडेड, डिलीवरी डेट इसमें डिसाइडेड नहीं रहती। समटाइम प्रॉब्लम इज नॉट आइडेंटिफाई प्रॉपरली, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट इज वेरी पुअर। नाउ ये हमने देखा इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल कैसे मीन्स सॉफ्टवेयर बनता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।